तो कहानी की शुरुआत होती है एक दूसरे डायमेंशन से, जहाँ पर एक लड़की को जगाने की कोशिश करी होती है, लेकिन मरे हुए लोग तो नहीं जगते हैं। दूसरी तरफ वही लड़की एक केज को देखकर बोलती है मॉम डैड, और तभी कोई आकर उसको मार देता है और अपनी असली कहानी की शुरुआत अब होती है। तो शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहाँ पर अपना मेल लॉन्डा युकी अपना फोन को लेकर जा रहा होता है और हमें अपने बारे में बताता है। वो बोलता है, मेरा नाम है अमाने युकी टीरो, ना ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ ना मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, इसलिए सब लोग मुझे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन है मेरी बस। और फिर युकी घर आकर अपनी चद्दर उड़कर अपनी आंखें बंद करता है तो वो एक अलग ही डिमेंशन में पहुंच जाता है। तो ये है डेयर सिक्स माकिना, जो कि इस दुनिया का एक गार्ड है, और जिस चीज को हम यूनिवर्स बोलते हैं वो बस इसका एक बच्चा है। और फिर युकी को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपनी डायरी लिख रहा होता है, और उसके पीछे होते हैं स्क्वाड की सेक्रेटरी। ऐसे क्यूट सेक्रेटरी तो मुझे भी चाहिए यार। तो क्या तुम अकेला महसूस करते हो? सच बोलूं तो उतना भी नहीं। अगर मैं तुमको इस दुनिया में कुछ उखाड़ने का मौका दूं तो क्या तुम उखाड़ोगे? सोचो, अगर मैं तुमको फ्यूचर देखने का मौका दूं तो तुम क्या करोगे? चलो इसको मेरा एक गिफ्ट ही समझ लो तुम। दूसरे सीन में एक लड़की भाग रही होती है और कोई उसका पीछा खड़ा होता है, और जैसे ही उसके भागने की जगह खत्म होती है तभी उसको कोई मार देता है। फिर अगले सुबह युकी जागता है और उसके फोन में पहले से उसका पूरा दिन कैसा जाएगा वो लिखा हुआ होता है। युकी को विश्वास तो नहीं होता, इसलिए वो चेक करता है, लेकिन हाँ उसमें जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसमें लिखा था वो एक बार में ही डार्ट्स को बिल्कुल पॉइंट पे मारेगा, और वो मार देता है। उसमें लिखा था कि सीरियल किलर की इतने बजे न्यूज आएगी, और हाँ वो ही आ रहा होता है। उसमें लिखा था जाते हुए वो उन दोनों से मिलेगा जो कि इस रास्ते से कभी नहीं जाते, और हाँ वही होता भी है। उसमें लिखा हुआ था कि इनका आज एक सरप्राइज टेस्ट होगा, और युकी के फोन में पहले ही सारे आंसर्स होते हैं, और युकी सोच रहे होते हैं अगर वो सब सच हुआ तो ये भी जरूर सच ही होगा। वीडियो की दूसरे डिमेंशन में आ जाता है, जहाँ पर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये सब तो बस उसकी इमेजिनेशन है, तो ये सब सच कैसे हो गई। उसकी सेक्रेटरी आकर बोलती है, ये भगवान है यार, ये जो चाहे वो कर सकता है। जिस दिन तुम्हारे फोन में डेड नाम का एक विंडो आएगा तब समझ लेना कि तुम मरने वाले हो। फिर दिखाते हैं उनका टेस्ट का सीन, जहाँ पर युकी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया होता है। दूसरी तरफ कुछ लड़के युकी को मारने के लिए होते हैं, लेकिन युकी के पास तो है फ्यूचर डायरी, वो पहले अपना फ्यूचर देख लेता है कि क्या होने वाला है। फिर दिखाता है दूसरे दिन एक और टेस्ट चल रहा होता है, युकी उसमें चीटिंग करा होता है, लेकिन यूनो नाम की एक लड़की सामने से युकी की तरफ घूर कर देखती है, और युकी उसको देख कर जाता है घबरा। फिर युकी को दिखाते हैं जो कि अपना टेस्ट छोड़कर कुछ बना रही होती है, और वो बना रही थी उस सेक्रेटरी की एक डॉल, जिसको देखकर युकी की फट जाती है, और उसके फोन में तभी उसकी फ्यूचर डायरी डीलीट होती है, और उसमें लिखा हुआ होता है तुम मरने वाले हो, और युकी की अब पूरी तरीके से फट चुकी है। फिर वहां पर यूनो आती है और युकी से बोलते है तुम्हारे डायरी में एक डेडेंट है ना। फिर युकी बोलता है तुम्हें कैसे पता? यूनो बोलती है मेरे पास मेरे खुद के रास्ते हैं, और फिर युकी घबरा कर वहां से भाग जाता है। फिर युकी अपनी डायरी देखते हुए भाग रहा होता है, लेकिन उसकी डायरी का डेडेंट अभी तक नहीं गया। उसके सामने यूनो आकर बोलते हैं मेरी बात तो सुन लो, लेकिन युकी वहां से भाग जाता है क्योंकि उसको बहुत डर लग चुका है। फिर युकी एक लिफ्ट के अंदर आ जाता है और 14th फ्लोर का बटन दबा देता है, लेकिन तभी यूनो आकर उस लिफ्ट को रोक लेती है। अब युकी की और भी ज्यादा फट चुकी है क्योंकि यूनो भी एक डायड यूजर है। मैं तो गया, मेरे बचने का आपको कोई चांस नहीं है। तभी लिफ्ट बंद होती है और युकी अपना डांस निकाल रहा होता है, लेकिन तभी यूनो आगे बढ़कर उसको किस कर लेती है, और उसके बाद युकी थोड़ा सा शांत होता है, और फिर यूनो युकी से बोलती है वो आ चुका है। और फिर दिखाता है नीचे वही सीरियल किलर खड़ा होता है, और ये भी एक डायरी यूजर है। दूसरी तरफ यूनो की डायरी युकी से कनेक्टेड है, इसका मतलब युकी जो भी करेगा वो सब यूनो को 10 मिनट पहले ही खबर दे दी जाएगी। और फिर यूनो युकी से बड़े क्रीपी से इस टाइम में बोलती है, और ये है हमारी फ्यूचर की प्यार की डायरी। और युकी की पूरी फट चुकी है क्योंकि एक साइकोपैथ इसके गले पड़ चुकी है। फिर यूनो 17वें फ्लोर का बटन दबाती है, और युकी बोलता है लेकिन क्यों? यूनो बोलती है पागल, अगर तुम यहाँ पर उतर गए तो तुम इस सर्वाइवल गेम में सबसे पहले मारे जाओगे। दूसरी तरफ ये सीरियल किलर भी ऊपर आ रहा होता है। दूसरे सीन में वो दोनों छत पर पहुंच चुके हैं, और युकी यूनो से बोलता है हम लोग छत पे हैं, हम बचेंगे कैसे यहाँ पर उससे? यूनो बोलती है वो यहाँ पर तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम ही उसको मारोगे। दूसरी तरफ वो सीरियल किलर छत पर पहुंच चुका है, और युकी एक वीडियो कॉल के जरिए से उस किलर को देख रहा होता है। फिर दिखाता है एक पास का सीन, जहाँ पर यूनो ने युकी से कहा था कि अगर तुम उसके फोन को तोड़ दोगे तो वो भी मर जाएगा। फिर यूनो आगे बढ़कर उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है, और युकी टाट फेंक कर उसके फोन को तोड़ देता है, और जिससे उस बंदे के बॉडी में एक होल हो जाता है, और वो बंदा कमांडर बनकर पड़ी पड़ी मर जाता है। यूनो बोलते है छी एक खून का कतरा भी नहीं निकला, क्या बकवास था। युकी सोचता
पता है ये कैसी लड़की है, किसी के मर जाने से इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। फिर युकी गॉड के डायमेंशन में आकर उससे पूछता है, तुमने तो मुझसे नहीं कहा था कि मेरी तरह और भी डायरी यूजर्स होंगे। लेकिन मैंने तुमको जो डायरी दी है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, और आखिर में जो जिंदा बचेगा वो होगा मेरा सक्सेसर। और फिर युकी एक अलग जगह पर आता है जहाँ पर बाकी सभी डायरी यूजर्स होते हैं, जबकि तुम सब यहाँ पर आ ही चुके हो। तो चलो मैं तुम सभी को इस गेम के नियम और मकसद को बताता हूँ। तुम्हारी ये फ्यूचर डायरी अब से 90 दिन तक तुम्हारा फ्यूचर बताएगी। फिर टेंथ गॉड से पूछता है, लेकिन मैं डायरी में लिखा हुआ बार बार क्यों बदल जाता है? तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने कर्मों को अपना फ्यूचर देकर बदल दो तो तुम्हारा फ्यूचर भी बदल जाएगा। फिर यूकी बोलता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरा फ्यूचर बदल गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वह थर्ड मेरा पीछे है। जब एक डायरी यूजर दूसरे को मारने का मन बना लेगा तब उसके डायरी में डेड सेंटेंस भेजा जाएगा डेड एंड नाम से, और तुम्हें कुछ भी करके उस डेड एंड को अंडू करना है, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अगर हमें पता ही ना हो कि हमें किसे मारना है तो हम क्या करेंगे? दूसरे कंपटीटर्स की आइडेंटिटी तुम लोगों को नहीं दी जाएगी, वो तुमको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट की मौत थर्ड के हाथों से लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी इसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया और उसको मार दिया। तुम में से जो भी मुझको सक्सीड करेगा वो बिल्कुल मेरा सक्सेसर बनेगा, और वो बनेगा स्पेस और टाइम का अगला गॉड। फिर यूकी वापस उसी डायमेंशन में आ जाता है और सोच रहा होता है मैं जिंदा कैसे बचूंगा। फिर यूनो भी वहां पर आकर बड़े ठरकी से अंदाज में यूकी से बोलती है, मेरी जान मैं हूं ना। और रात में यूनो यूकी को मैसेजेस भेज रही होती है, और यूकी सोचता है इसको मेरा नंबर कहां से मिला। फिर यूकी को याद आता है कि उसका फ्यूचर यूनो की डायरी से कनेक्टेड है। अगले दिन यूकी अपनी डायरी देखते हुए स्कूल जा रहा होता है, और पीछे दिन जो कुछ भी हुआ क्या वो सब कुछ सच था या फिर एक बहम, यही सोच रहा होता है। फिर क्लास में अनाउंस होता है कि उनके होमरूम टीचर किसी कारण की वजह से नहीं आएंगे, और यूकी अभी भी सोच रहा होता है अगर मैं जिंदा बचना चाहता हूं तो मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर यूकी डरते हुए यूनो से बोलता है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूं? और फिर यूनो बोलते हैं, अभी नहीं कुछ देर बात करेंगे। फिर क्लास में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, और फिर अगले सीन यूनो अपनी डायरी देखते हुए अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी फ्यूचर बदल जाता है और यूनो की फट जाती है। और ये लड़की भी एक डायरी यूजर है, ये है नाइन्थ। फिर नाइन्थ को सब कुछ बताती है कि वो डायरी यूजर कौन था जो कि इसको कल मारने के लाया था, वो था थर्ड, इसका खुद का होम रूम टीचर। और ये सुनकर यूकी की बहुत ही गंदी वाली फट जाती है, और नाइन्थ यहाँ पर यूकी को मारने के लिए आई होती है। यूकी का फ्यूचर बदलता है और सुनाता है डेड एंड, क्योंकि वो नाइन्थ के हाथों से मरने वाला है। फिर तभी यूनो आकर यूकी को बचा लेती है, और फिर नाइन्थ खिड़की के पास जाकर उन दोनों से बोलती है, थर्ड तो बच्चा था, मुझे आजमा कर देखो। और फिर वो खिड़की से कूद जाती है और पूरे स्कूल में बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं। यूनो यूकी को बचा लेती है, लेकिन यूकी की गंदी वाली फट चुकी है। फिर यूनो यूकी को शांत करने की कोशिश करती है, और वह कर भी देती है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूकी सोचता है इस लड़की के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। यूनो मुझे जिंदा रखने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। और फिर वो दोनों कर लेते हैं किस। ओ ये अगले सीन में नाइन सबको माइक से वार्निंग दे रही होती है कि पूरे स्कूल में बॉम्ब लगे हैं, और अगर तुम लोग भागने की कोशिश करोगे तो मोशन डिटेक्टर्स तुमको पकड़ लेंगे और बॉम्ब तभी फट जाएगा, इसलिए जहाँ पर हो भाई पड़े रहो बेवकूफो, हिलने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ यूनो और यूकी अपने आप को डैडी की मदद से बचाते हुए जा रहे होते हैं। फिर यूनो यूकी को उसके डैडी के बारे में बताती है। यूकी के डैडी का नाम है इंडिस्क्रिमिनेंट डैडी। यूकी जो भी देखेगा उस हिसाब से डैडी अपने आप को बदलेगी। फिर यूकी देखते हैं अपनी डैडी में तो क्लास 2C फटने वाला होता है, और वो दोनों भी अभी क्लास 2C के बाहर ही बैठे हैं। और फिर यूनो जल्दी से आगे बढ़कर यूकी को बचा लेती है। फिर ऐसी वहां पर तबाही शुरू हो जाती है और वो दोनों भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ नाइन्थ अपनी डैडी देखते हुए बॉम्ब्स को फोड़ रही होती है। फिर यूनो यूकी से बोलती है, अब आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, जल्दी से देखो। लेकिन उसकी डायरी में यूकी के बारे में कुछ भी लिखा नहीं होता, क्योंकि उसकी डायरी आसपास की चीज़ों के बारे में नजर तो रखती है, लेकिन उसके साथ क्या होगा ये इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। यूकी का फ्यूचर यूनो की डायरी से कनेक्टेड है, इसलिए यूनो की डायरी बदलती है और यूनो घबरा जाती है। अगले सीन में वहां पर एक धमाका होता है और यूनो ने यूकी को फिर से बचा लिया होता है। यूनो यूकी से कहते हैं, अगर तुम्हारी डायरी तुम्हारे बारे में नहीं दिखाती तो क्या मेरा वाला तो दिखाता है। अगर हम इन दोनों को इन्फॉर्मेशन को मिलाकर इस्तेमाल करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। फिर यूकी बोलता है, तुम क्या तो सही रहे हो। लेकिन यूकी यहाँ पर बिल्कुल टूट चुका है, वो यहाँ पर हार मान लेता है। फिर यूनो यूकी का हौसला बढ़ाती है और यूकी भी उठकर खड़ा हो जाता है फिर से लड़ने के लिए। और ये लोग अब मदद के लिए दूसरी बिल्डिंग में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर ही बाकी सभी स्टूडेंट्स हैं। यूनो सोच रही होती है वो हमें जब चाहे तब मार सकती है, तो वो इतना वक्त क्यों लगा रही है। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर पुलिस की फोर्स आ चुकी होती है, और फिर देखा था पुलिस फोर्स के मेन बॉस को जो कि होता है डायरी यूजर। फिर यूकी और यूनो डायरी देखते हुए सेफली दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फिर यूकी को वहां पर एक पहचान का बंदा दिखता है,
करता है और वो उसकी तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। लेकिन तभी यूनो की डायरी बदलती है और फिर दिखाते हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूकी को पकड़ लेते हैं। और फिर दिखाता है टीचर्स रूम का सीन जहाँ पर नाइन्थ फोन करके उन लोगों से बोलती है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो आमाने यूकी टीटो को मुझे दे दो। और फिर दिखाते हैं वो दोनों बच्चे यूकी को ग्राउंड में ले जाकर जमीन के साथ लेटा लेते हैं और यूकी रोने लगता है और बाकी बच्चे दूर खड़े होकर सबका तमाशा देख रहे होते हैं। नाइन सभी से कहते हैं अच्छा काम किया और मोशन सेंसर्स अभी ऑनलाइन है इसलिए हिलने की कोशिश मत करना। और यूनो अब बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि यूनो ने ही तो यूकी को इस बिल्डिंग में आने के लिए कहा था। यूनो सोच रही होती है इन लोगों को यूकी की जान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये सब सोच सोच कर यूनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। और फिर दिखाते ऊपर धमाका उड़ा होता है क्योंकि यूनो वहां से भाग रही होती है और मोशन सेंसर्स उसको डिटेक्ट करते हुए धमाका कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यूनो अब किसी की बात सुनने वाली है। अगले समय यूकी अपना सर जमीन पर रखकर सोच रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सच में मरने वाला हूँ। फिर नाइन चिल्ला कर उसे बोलते हैं चिंता मत कर तेरे सारे गद्दार दोस्त भी तेरे साथी 10 मिनट में मर जाएंगे। तभी नाइन को एक गोली छूकर निकल जाती है। वहाँ पर आता है पुलिस चीफ जो कि एक डायरी यूजर है और ये नंबर 4th है और 4th की डायरी का नाम है केस डायरी और नाइन यहाँ पर 4th को पाने के लिए आई है। नाइन बोलते हैं कुछ भी बेवकूफी मत करना 4th, उस बच्चे को मेरे हवाले कर दे नहीं तो मैं इस पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा दूंगी। 4th यूकी की तरफ बड़ी उम्मीदें भरी नजर से देखता है और फिर यूकी भी 4th की तरफ बड़ी उम्मीदें भरी नजर से देख रहा होता है। लेकिन तभी 4th उसकी तरफ गन तान के बोलता है इस बात को पर्सनली मत लेना बच्चे, मैं यहाँ पर तेरी वजह से पूरे स्कूल को तो खतरे में नहीं डाल सकता ना। और यूकी यहाँ पर उम्मीद छोड़ देता है, वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ, मैं सोच भी क्या रहा था कोई और आकर मुझको बचाएगा। फिर तभी यूनो ऊपर से 9th की तरफ कूदती है लेकिन 9th उसको लात मार के दूर फेंक देती है। बच्चे कोई किसी को बचाने नहीं आता, तुझे खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। 4th 9th की तरफ बंदूक तान देता है और यूकी अपने फोन को लेने के लिए आगे बढ़ता है और यूनो उसको डायरेक्शन दे रही होती है जैसे बॉम्ब ना फटे। 9th इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और सभी बॉम्ब्स को फोड़ना शुरू कर देती है और आगे बढ़कर यूनो को मारती है जिससे उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। उसके बाद 4th 9th की तरफ गोली चलाता है लेकिन उसी गोली से 9th बच जाती है। यूकी आगे बढ़ रहा होता है, पीछे से बॉम्ब फट रहे होते हैं। यूकी अपने पॉकेट से डार्ट्स को निकालता है और 9th को मारने के लिए आगे बढ़ता है। 9th अपने फोन को बचाने के लिए अपने हाथ को साइड में करती है, यूकी का डार्ट सीधा 9th की आंखों की तरफ जाता है और 9th एक आंख से अंधी हो जाती है। फिर यूनो आगे बढ़कर 9th के हाथ से उसके बॉम्ब का कंट्रोलर ले लेती है। 4th आगे बढ़कर 9th से बोलता है तुम अब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर 9th अपने स्कर्ट के अंदर से स्मोक बॉम्ब फोड़ती है और एक बाइक लेकर बिल्कुल धूम मचाले स्टाइल में भागते हुए 4th से बोलती है मेरी डायरी का भी एक नाम है बेवकूफ एस्केप डायरी। अगले सीन में शाम हो रही होती है और 4th इन तीनों की एक अलायंस बनाने की बात करता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे डायरी यूजर्स हैं जो कि जल्दी एक दूसरे को मारने के लिए आएंगे और अगर इन लोगों की एक अलायंस होगी तो इनका जिंदा रहने का चांस सबसे ज्यादा है। और यूकी भी हाँ बोल देता है। फिर यूकी यूनो से पूछता है और यूनो भी बोलती है तुम जैसा कहो मेरी जान, क्योंकि यूनो की डायरी में लिखा होता है यूकी और यूनो एक हो जाते हैं और फिर हो जाती है उन दोनों की हैप्पी एंडिंग। अगले सीन में यूकी और यूनो अम्यूजमेंट पार्क में आए हुए होते हैं और यूनो यूकी को घसीटते हुए अलग अलग राइड्स पर ले जाती है। अगले सीन में 9th का एक सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वार्ड में उसके मॉम डैड मारे गए थे और 9th की आंखें खुल जाती हैं और बाहर सभी पुलिस उसको ढूंढ रहे होते हैं। और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4th ने इन दोनों को इस पार्क में भेजा हुआ होता है। 4th का यहाँ पर मकसद है कि जितना हो सके उतना कम खून बहाना और इन दोनों को यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि अगर कोई डायरी यूजर इनको देखे तो इनके पीछे आए और 4th उनका पकड़ ले। लेकिन यूकी और यूनो तो पार्क में बहुत मजे कर रहे होते हैं। अगले सीन में हर जगह की चेकिंग चल रही होती है 9th को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ 9th ये सब देखकर बोल रही होती है तुम लोगों की औकात नहीं है मुझको पकड़ने की और फिर अपना डायरी निकल कर वहां से भाग जाती है। अगले सीन में यूकी का तो पता नहीं लेकिन यूनो को यूकी के साथ बहुत मजे आ रहे होते हैं और फिर वो जो जाते हैं वाटर पार्क में जहां पर यूकी जाने से मना कर रहा होता है और यूनो उसको खींच कर ले जाती है और ऐसे करते उनको शाम हो जाते हैं और फिर वो लोग जा रहे होते हैं और तभी उनको सामने दिख जाता है एक प्लेनेटेरियम। यूनो वहां का जाने की बात तो करती है लेकिन यूकी मना कर देता है। फिर वो दोनों जाकर एक बड़े से जायंट व्हील में बैठ जाते हैं और फिर यूकी यूनो से पूछता है यूनो तुम हमेशा मुझे फॉलो क्यों करते रहती हो, मुझ में ऐसा क्या है। यूनो बोलते हैं तुम प्लेनेटेरियम में क्यों नहीं गए, मुझे तो लगा तुम्हें तारे बहुत पसंद है। यूकी बोलता है क्या तुम्हें डायरी ने। और फिर तभी यूनो उसकी बात कर बोलती है मुझे ये बात इसलिए बताया क्योंकि तुमने ही मुझको ये बताया थी। फिर एक साल पहले मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडिल स्कूल में भी ये दोनों एक साथ ही पढ़ते थे और यहाँ पर इनको इनका सपना लिखने के लिए कहा गया होता है और यूनो लिख नहीं पा रही होती। और फिर यूनो यूकी के पास आती है और यूकी ने लिखा होता है कि उसको उसकी फैमिली के साथ तारे देखने हैं लेकिन उसके मॉम डैड के डिवोर्स हो जाने की वजह से वो नहीं जा पाया। फिर तभी यूनो उससे कहते हैं तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। फिर यूकी कहता है लेकिन तुम तो मेरी फैमिली नहीं हो। फिर यूनो कहती है अगर मैं तुम्हारी वाइफ बन जाती हूँ तब तो हम एक साथ चल सकते हैं। और यूनो अपने पेपर में लिख लेती है कि उससे आमा ने क्यों वाइफ बनना है। शिट
और ये सब एक साल पहले की बात है। प्रेजेंट में युकी बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम बस मजाक कर रही हो। फिर यू नो युकी के फोरहेड पर किस करके बोलती है, मैं तभी झूठ नहीं बोल रही थी ना, मैं अब झूठ बोल रही हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दूसरे सीन में वो लोग घर जा रहे होते हैं और ऊपर से बारिश शुरू हो जाती है, और तभी वो एक स्टोर में जाकर छाता खरीद के मज़ा फिर से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं यूनो के घर। युकी वहां से जाने की बात करता है, लेकिन यूनो उसको रोककर बोलते हैं, तुम यहाँ पर कुछ देर तक तो रुक ही सकते हो। और फिर युकी भी यहाँ पर रुक जाता है। अगले सीन में फोर्थ को दिखाते हैं, जहाँ पर उसको अभी भी नाइन्थ की कोई खबर नहीं मिली। अगले सीन में नाइन्थ को दिखाते हैं जो कि छुपते छुपाते पुलिस से बच रही होती है। अगले सीन में नाइन्थ के पास एक बंदा आकर उसको वहां से ले जा रहा होता है, और नाइन्थ उसको बोलते हैं, तुम हो कौन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो बंदा नाइन्थ से बोलता है, तुम सवाल पूछने की कोई कंडीशन में तो हो नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अगले सीन में यूनो को दिखाते हैं जिसके घर पर लाइट नहीं होती, और वो युकी के लिए एक सेब लाई होती है। यूनो उस सेब को धोने के लिए लेकर चली जाती है, और युकी सुसु करने की जगह ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में जंगल में फंसे हुए एक घर को दिखाते हैं, और वो बंदा नाइन्थ को यहाँ पर लेकर आया है। फिर वो बंदा मास्क पहन लेता है और नाइन्थ को पेन किलर्स खाने के लिए देता है, और फिर नाइन्थ उसको बोलती है, मुझे बचाने के लिए तुम पछताओगे। फिर नाइन्थ अपने डायरी को निकालते हैं तो वहाँ पर कुछ भी बदला नहीं होता। दूसरी तरफ युकी हल्का होने की जगह ढूंढते हुए एक कमरे के पास पहुँचता है। दूसरी तरफ नाइन्थ गिर जाती है क्योंकि उन पेन किलर्स में कुछ मिला हुआ होता है। फिर नाइन्थ अपने डायरी को निकालते हैं तो वहाँ पर अभी भी कुछ भी बदला नहीं होता। और फिर कुछ सेकंड बाद उसकी डायरी एक लकड़ी बन जाती है, जो कि शुरुआत से लकड़ी ही थी, वो बस उसका एक इल्यूजन था कि वो उसकी डायरी है। और ये मास्क पहना बंदा भी एक डायरी यूजर है। ये नाइन्थ से बोलता है, तो हेलो नाइन्थ, कैसी हो, फर्स्ट सेकंड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन जानती हो वो मुझको दे दो। फिर वो नाइन्थ की उस फूटी हुई आंख को निकाल लेता है, और नाइन्थ दूसरी तरफ युकी अपनी डायरी देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और ऐसे ही वो एक रूम के पास पहुंचता है, और वो जैसे उस दरवाजे को खोलता है तो हर एक डायरी यूजर की किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। युकी उस रूम के अंदर देखता है तो वहां पर लाशें पड़ी होती हैं। दूसरी तरफ गॉड का डायमेंशन टूट रहा होता है, और गॉड बोलता है, तो आखिरकार उस बच्चे ने कर दिखाया, उसने वो कर दिखाया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वजह से अब इस बैटल फील्ड का रुख बदलने वाला है। बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तुमको चुनकर सच में कोई गलती नहीं की। युकी की वो सब देखकर फट चुकी होती है, और यूनो उसके पीछे आकर बोलती है, तुमने क्यों किया मेरी जान, हम एक साथ कितने खुश थे। और युकी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घर की तरफ भाग रहा होता है। वो अपने घर पहुंचकर अपने घर पे ताला लगा लेता है। यूनो वहां पर पहुंचकर युकी से बोलती है, गुड नाइट मेरी जान। और युकी की ये देखकर और भी ज्यादा फट चुकी है, अच्छे से सपने देखना क्योंकि मैं तुमसे सपनों में जरूर मिलने आऊंगी। तो अब सवाल आता है कि यूनो युकी के सपनों में जाकर उसको क्या दिखाएगी, या फिर उस दरवाजे के पीछे किन लोगों की लाश थी जिस वजह से सारे डायरी यूजर्स का फ्यूचर ही बदल गया। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो तो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही जल्दी आने वाला है इसका पार्ट 2। और कमेंट करके जरूर बताना कि बोलने का स्टाइल कैसा लगा। ये बोलने का स्टाइल मैंने जिंदगी में पहली बार ट्राई किया है, इसलिए अच्छा है या नहीं ये लोग तो तुम लोग ही बताओगे। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।